पृथ्वी पर जो स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं उसके लिए अगर आपके मन में भी पीड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए। हर वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वैश्विक संसाधन दोहन दरों में पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हो रही, यानी कि हम पृथ्वी से अधिक संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। माना भी गया है कि मनुष्य की विजय तब मानी जाएगी जब वो प्रकृति पे अधिक से अधिक नियंत्रण कर सके। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की अपनी वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए जितना हम आज चाहते हैं उसके लिए हम एक पृथ्वी से काम नहीं चला सकते। इसके लिए हमें 1.7 यानी कि इतनी पृथ्वी और चाहिए। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में आर्थिक विकास का तात्पर्य यही है कि हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करें, अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करें। हमारी तो एक ही पृथ्वी है, सभी को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें इतनी पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 1.7। पृथ्वी को जब हम ब्रह्मांड से देखते हैं तो ये अद्भुत ग्रह है। मानव के अब तक अर्जित ज्ञान के आधार पर हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। अगर हम समुद्र के नीचे धुर अंधेरे में 10 किलोमीटर तक चले जाएं तो वहाँ भी जीवन पनपता है। जमीन से ऊपर 12 किलोमीटर तक चले जाएं वहाँ भी जीवन पनपता है। जब हम अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर ग्रह दिखता है, यानी कि नीला, क्योंकि यहाँ पानी है, 3/4 भाग में पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे विशिष्टतम सदस्य हमारी पृथ्वी अपनी कील पर 24 घंटे में एक बार घूमते 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से सूरज की परिक्रमा करती है। अपनी एक वर्ष की लंबी परिक्रमा में पृथ्वी पर बहुत से ऋतुओं का सृजन होता है और एक ऐसा जलवायु तंत्र स्थापित होता है जिसमें अनगिनत जीव पनपते हैं। घनी जैव विविधता खिलती है और सभी जीवधारी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। पृथ्वी की एक विशिष्ट जलवायु व्यवस्था जैव मंडल की अनूठी व्यवस्था है, यहाँ पर इसीलिए जीवन पनपता है। आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट ये है, जलवायु का संकट। पेरिस जलवायु संधि के अनुसार सदी के अंत तक हमें सिर्फ 2 डिग्री तापमान की वृद्धि तक सीमित रखना है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। सन 2050 तक इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के अनुसार वो क्या कहते हैं कि 6 वर्षों से पहले पहले हमें अपने रहने के लिए दूसरी पृथ्वी की खोज कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये आग का गोला बन चुकी होगी। तो ये सब के लिए जिम्मेदार कौन? कोई बाहरी प्राणी या एलियंस नहीं है, हम ही लोग हैं। हमारी ये जो मानसिकता बन गई है कि हमारे पास अधिक से अधिक धन होना चाहिए, हमें जितना अन्न जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम उपजाना चाहते हैं, हमें जितने धन की ज़रूरत नहीं है उतना हम इकट्ठा करना चाहते हैं। वो किस कीमत पर, उसके लिए हमको ही कीमत चुकानी होगी। हमें रोटी दाल भात साग सब्जियां और फल देने वाले बीज कॉरपोरेट सेक्टर के हथियार बन गए। आज लोगों के अंदर ये कंपटीशन है। धरती पर संभवतः अब ऐसा कोई पारिस्थितिक प्रवेश नहीं बचा जिसे मानव ने छिन्न भिन्न ना किया हो, हर जगह पहुंच चुका है उसको बर्बाद करने के लिए। तो कोशिश करें, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस पृथ्वी को बचा लें, इस पृथ्वी को बचा लें जहां जीवन पनपता है। एक बार फिर से आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।